हाँ हाँ ठीक है, मैं आ जाऊंगा कल टाइम पे। अरे ये कचरा किसने डाला मेरी गाड़ी में? साला कौन है यहाँ पर? किसने किया ये सब? एक दिन बाद। अबे तेरी तो, क्या कर रहा था तू? नहीं नहीं भैया, मैं कुछ भी नहीं कर रहा था। ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है, चुपचाप खड़े रहो यहाँ पर। अच्छा, इसका मतलब तू ही है वो जो उस दिन मेरी गाड़ी में ये कबाड़ फेंक के गया था? नहीं नहीं नहीं। बता क्यों मेरी गाड़ी में ये कूड़ा फेंक रहा था? बता बता साले तेरी तो। ये क्या कर रहे हो? हाँ भाई, किसने फोन किया था मुझे? सर मैंने फोन किया था आपको, ये बंदा काफी देर से मेरा पीछा कर रहा था। नहीं नहीं सर, मैंने इसका कब पीछा किया? अच्छा कब पीछा किया था? अभी मैं बताता हूँ कि तुमने कब पीछा किया था। अरे ये कौन है, काफी देर से मेरा पीछा कर रहा है? हेलो पुलिस स्टेशन। और तो और सर, इसने एक मर्तबा पहले भी मेरी गाड़ी में कचरा डाला था जो मैंने पूरा साफ कर डाला, और अब एक बार फिर से ये कचरा डाल रहा था मेरी गाड़ी में। नहीं नहीं सर, ये झूठ बोल रहा है। अच्छा मैं झूठ बोल रहा हूँ, सर एक मिनट रुको। ये देखिए आप, यही कचरा है जो एक मर्तबा पहले भी इसने मेरी गाड़ी में डाला था। सर अब आप खुद इससे पूछिए कि ये सब क्या है। हाँ भाई, क्या है ये सब? क्या हुआ आप बताओ ना सर को। सर इसके साथ ये सब कुछ मुझे जानबूझ के करना पड़ा। क्यों किया तुमने ऐसा? सर इस आदमी ने कुछ दिन पहले रुको, कहाँ जा रहे हो? हाँ बोल। देखिए ये गंदगी फैलाने की जगह नहीं है भाई। देखो तुम अपने काम से काम रखो। देखिए भाई साहब, आप जो कुछ भी कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। अपनी नसीहत है ना, अपने पास रख, दिमाग खराब मत कर मेरा, निकल जा यहाँ से, चल जा। पता नहीं क्या हो गया है आज के लोगों को, सफाई का कोई ख्याल ही नहीं है। अच्छा तो ये बात है, ये तो बड़ा बदतमीज है, इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा। सर इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया, मुझे कोई और तरीका नजर नहीं आ रहा था इसको सबक सिखाने का। अब आप ही बताइए सर, हमारे मुल्क के हर एक इंसान का फर्ज बनता है कि नहीं बनता कि वो अपना शहर साफ रखे, और ये तो वहाँ पे गंदगी फैला रहा था, मुझसे ये सब कुछ देखा नहीं गया, और जो कोई इसको गंदगी फैलाने से मना कर रहा था ये उसी से झगड़ रहा था। सर एक यही तरीका था इन जैसे लोगों को सबक सिखाने का, जब तक इनके आसपास और इनकी खुद की चीजों पे गंदगी नहीं फैलाएंगे तो ये कभी भी नहीं सुधरेंगे। सर मैंने इसको सबक सिखाने का यही तरीका सही समझा, इस बात का मुझे कोई पछतावा नहीं है। आई एम सो सॉरी सर। कोई बात नहीं भाई, आपको सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है, आपने जो किया बहुत अच्छा किया। और सर आपका फर्ज नहीं बनता कि आप अपने मुल्क को साफ सुथरा रखें? अगर आप जैसे पढ़े लिखे लोग ऐसे करेंगे तो बाकी के लोग क्या करेंगे? सॉरी सर, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, और आप भाई आप भी मुझे माफ कर दें, मैं अब सारी बात समझ गया हूँ, आज के बाद मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे हमारे मुल्क में गंदगी फैले।